अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 8 है। एक्सरसाइज 8.5 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 to 4 आज हम सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट 1 होगा। तो कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, तो 8.4 तक मैंने कर दी है ये यूनिट, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी एक्सरसाइज देख लें वहाँ से। तो 8.4 के आज 1 to 4 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 1 है इसका वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये है ए प्लस 7 होल स्क्वायर, कह रहा है ये कि ए प्लस 7 होल स्क्वायर ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49 के। तो ये देखें, ये एक फार्मूला है, इसको हमने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो ये समझें कि ए तो इसने दे दिया है, ये समझें 7 आपका बी है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, ये फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी, ये होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो जब इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये 6 एंड 7 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये बराबर होता है इसके, तो ये कंडीशन हमें मिली हुई है और ये कंडीशन हमने वेरीफाई करनी है। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कर लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, इसको ए प्लस 7 होल स्क्वायर को। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है, ये देखें ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका मतलब है कि इस ए को करेंगे हम होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है 2ab यानी 2 एंड ab का मतलब है कि ये a एंड 7 आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी a मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस, फिर क्या है हमारे पास b स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब है 7 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर लिया, अब इसको हल करें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 7 द 14, ये हो जाएगा ए एंड प्लस ये हो जाएगा 7 स्क्वायर का मतलब होता है 49। तो ये देखें बिल्कुल सेम वही आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लिखना चाहिए था, बाद में ये लिखना चाहिए था, इधर कर लेते हैं आप फिर कर लीजिएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इधर कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए प्लस 11 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने प्रूव करना है ताकि ये आंसर आ जाए। तो हमें पता है, आप करते हैं, हमें पता है कि ए प्लस बी ये होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर के प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कंडीशन हमने करनी है, ये कंडीशन हमें मिली हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर लें, यानी ए को होल स्क्वायर कर लें, फिर प्लस 2, फिर ये ए बी आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी ए मल्टीप्लाई ये 11, फिर क्या है प्लस है हमारे पास, प्लस देंगे बी स्क्वायर है, यानी 11 को हम होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको हल करें, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 11 द 22 ए एंड प्लस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा। तो देखें बिल्कुल वही आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। ये भी इसी तरह करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये 2x प्लस 6, इसको हम करेंगे वेरीफाई करेंगे ताकि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। तो हमारे पास एक फार्मूला है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर।
तो ये कंडीशन मिली हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कंडीशन हमने मालूम करनी है। तो ये हमारा है ए, ये हमारा है बी। तो ये ए स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 2x ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर क्या है हमारे पास 2 है, प्लस 2 कर देंगे। फिर क्या है ए बी आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6। फिर हमारे पास है बी स्क्वायर, यानी ये 6 इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखें इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये सारा मल्टीप्लाई होगा आपस में। ये देखें 2 6 12, 12 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आ जाएगा, एंड प्लस ये 6 स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 36। तो ये देखें बिल्कुल सेम हमारे पास आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हो गया वेरीफाइड। 4 नंबर में देखें लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास 3a प्लस 5 ये होल स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का इज इक्वल टू, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास। तो ये कंडीशन मिली हुई है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो ए स्क्वायर तो यानी ये 3a को होल स्क्वायर कर देंगे, एंड प्लस ये 2 है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3a मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5। फिर प्लस है बी स्क्वायर, तो बी इसका मतलब है ये 5 होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, 3a स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर है, 3a होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा a स्क्वायर, एंड प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30a, एंड प्लस ये 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा 25। तो देखें बिल्कुल सेम हमारा आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो इसको हमने कर लिया वेरीफाइड। तो ये था इसका पार्ट 1 जिसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट 2 तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।